हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह गजनवीद एम्पायर फॉर्म हुआ। गजनवीद एम्पायर ने इस्लामिक स्टेट्स को सेंट्रल एशिया की तुर्किश ट्राइब से प्रोटेक्ट करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, और साथ ही साथ इनका कंट्रीब्यूशन इसके लिए भी माना जाता है कि इन्होंने ईरानियन कल्चर यानी पर्शियन कल्चर के पुनर्जागरण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन भारत में हम अगर गजनवीद एम्पायर को अगर याद करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, और वो है इनके द्वारा कंडक्ट की गई रेड्स के लिए, लूटपाट मचाने के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए, मंदिरों में रखी हुई भगवान की मूर्तियों को खंडित करने के लिए, और मंदिरों में रखी हुई वेल्थ को लूट कर गजनी ले जाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत में टोटल 17 रेड्स कंडक्ट की थी, और गजनवीद का भारत के पड़ोस में होने का अगर किसी राज्य को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तो वो हुआ था शाही डायनेस्टी को, जिसे हिंदू शाही डायनेस्टी भी कहा जाता है। चलिए हिंदू शाही डायनेस्टी के टेरिटोरियल एरिया को देखते हैं और देखते हैं कि इनके कंट्रोल में कौन सी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी। तो आप यहाँ पर काबुल, जलालाबाद, पेशावर, लाहौर और इंडिया के पंजाब वाले रीजन्स के कुछ पार्ट्स के नाम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू शाही डायनेस्टी की टेरिटरी का कुछ रीजन आज के अफ़गानिस्तान में हुआ करता था, कुछ रीजन पाकिस्तान में और कुछ रीजन इंडिया में हुआ करता था। इनकी टेरिटरीज से इंडस रिवर भी पास होती थी, और उसकी लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने अपनी कैपिटल पेशावर में बनाई हुई थी, जिसे उस समय उदबंधा और वाई हिंद भी कहा जाता था। अगर बात करें हिंदू शाही डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर्स की, तो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे जयपाल, जिन्होंने 964 AD से लेकर 1001 AD तक रूल किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग गजनवीज के इम्पॉर्टेंट रूलर्स की बात करें, तो यहाँ पर अलबद्दीन, सुबुकद्दीन और महमूद ऑफ गजनी का नाम देख सकते हैं। अलबद्दीन के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हमने देखा था कि अलबद्दीन ही गजनवी डायनेस्टी का फाउंडर था। तो जिस समय जयपाल हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर थे, तो उस समय उनके कंटेम्प्रेरी गजनवीद रूलर थे सुबुकद्दीन, जिन्होंने 977 AD से लेकर 997 AD तक रूल किया। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। हुआ क्या कि 986 AD में जयपाल ने गजनवीद की कैपिटल गजनी के ऊपर अटैक किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो गजनी को कैप्चर करने में नाकामयाब रहे। इस अटैक के रिटेलिएशन में सुबुकद्दीन ने ईयर 990 AD में हिंदू शाही एम्पायर के ऊपर अटैक किया, और हिंदू शाही डायनेस्टी की वो सारी टेरिटरीज़ जो कि अफ़गानिस्तान के रीजन में आती है, वो पूरी की पूरी टेरिटरी कैप्चर कर ली। ऐसा माना जाता है कि इस अटैक से पहले हिंदू शाही की कैपिटल काबुल हुआ करती थी, बट काबुल हार जाने के बाद इन्हें अपनी कैपिटल पेशावर में शिफ्ट करनी पड़ी थी। सुबुकद्दीन के बाद उनके बेटे महमूद 998 AD में गजनी के नेक्स्ट रूलर बने। ये बहुत ही एग्रेसिव रूलर था, और इसने ईयर 1001 AD में हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर जयपाल के ऊपर अटैक कर दिया। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही फ्यूरियस बैटल हुई, और ये बैटल पेशावर के पास हुई थी। इस बैटल में जयपाल की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई, और अब पेशावर भी हिंदू शाही डायनेस्टी के हाथ से निकल गया, और इस तरह एक बार फिर हिंदू शाही डायनेस्टी को अपनी कैपिटल पेशावर से शिफ्ट करके लाहौर के पास एक जगह है नंदाना, वहाँ शिफ्ट करनी पड़ी। ये जगह झेलम रिवर के पास है, और आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस बैटल के तुरंत बाद यानी ईयर 1001 AD में जयपाल का रूल एंड हो गया। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि इस हार से जयपाल इतने ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रहे थे कि उन्होंने अपनी खुद की चिता तैयार की और आत्मदाह कर लिया। उनके बाद हिंदू शाही डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर बने आनंदपाल, जिन्होंने 1001 AD से लेकर 1015 AD तक रूल किया। इन्हें भी महमूद गजनी द्वारा लगातार चैलेंज किया जा रहा था, और ईयर 1009 AD में महमूद ऑफ गजनी और आनंदपाल के बीच में इंडस नदी के किनारे एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल लड़ा गया। महमूद ऑफ गजनी ने आनंदपाल की फौज को बुरी तरह से रौंद दिया, और उनकी कैपिटल नंदना में लूटपाट मचाकर पूरी की पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया। हालांकि महमूद ऑफ गजनी ने आनंदपाल को अलाउ किया कि वो लाहौर से उनके फ्यूडेटरी के रूप में रूल कर सकते हैं, लेकिन 1015 AD में महमूद ऑफ गजनी ने लाहौर को भी लूट लिया और आनंदपाल को निकालकर बाहर फेंक दिया। इस तरह आनंदपाल का रूल 1015 AD में एंड हो गया। इनके सक्सेसर्स त्रिलोचनपाल और निडर भीमा हिंदू शाही डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर इन एग्जाइल थे। कहने का मतलब ये रूलर तो थे, लेकिन इनके पास रूल करने के लिए कोई टेरिटरी नहीं थी। ये भागकर कश्मीर चले गए और आसपास के राजाओं से मदद मांगने लगे। महमूद ऑफ गजनी ने इन्हें पकड़ने के लिए कश्मीर पर भी अटैक किया, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से ये अटैक फेल हो गया।
चलिए अब मैप में देखते हैं कि 1015 AD तक गजनवीज के टेरिटोरियल एरिया कहाँ तक एक्सटेंड हो चुका था। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गजनवीज ने अपने टेरिटोरियल एरिया को लाहौर तक एक्सटेंड कर लिया था, और यही वो समय था जब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे राजपूत किंगडम्स हुआ करते थे। यानी महमूद ऑफ गजनी ने इन राजपूत किंगडम्स के टेरिटोरियल एरिया में कई सारी रेड्स कंडक्ट की थी, कई शहरों को आग लगाई और उन्हें तहस नहस कर दिया। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में आदमी, औरत और बच्चों को अपने साथ स्लेव बनाकर ले गए। कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहां इसने अपनी रेड्स कंडक्ट की थी उनके नाम हैं थानेसर, कन्नौज, कलिंजर, मथुरा और गुजरात। गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पर महमूद ऑफ गजनी ने ईयर 1025 AD में रेड कंडक्ट की थी। सोमनाथ टेम्पल की वेल्थ तो उसने लूटी ही, साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर से शिवजी का शिवलिंग भी ले गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने शिवलिंग को तोड़कर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया था। ये सब करके शायद वो राजपूतों के मन में भय और दहशत फैलाना चाहता था। चलिए अब टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि महमूद ऑफ गजनी ने 998 AD से लेकर 1030 AD तक रूल किया, यानी 32 ईयर्स तक। और उसके रूल के दौरान एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ईयर है 1015 AD, जब उसने हिंदू शाही डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म करके पंजाब को कैप्चर कर लिया था। बट पंजाब को कैप्चर करने के बाद अगले 10 साल यानी 1015 AD से लेकर 1025 AD तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में महमूद ऑफ गजनी बस दो ही कामों में बिजी था। पहला काम सेंट्रल एशियन तुर्किश ट्राइब से लड़ने में, क्योंकि तुर्किश ट्राइब्स लगातार गजनवीद एम्पायर के ऊपर अटैक कर रही थी। और दूसरा काम जिसमें ये बिजी था वो था इंडियन रीजन्स में रेड्स कंडक्ट करना, और इन रेड्स की टोटल संख्या 17 बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन रेड्स से लूटी हुई वेल्थ का इस्तेमाल करके ही महमूद ऑफ गजनी सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के साथ अपनी लड़ाइयों को फंड कर पा रहा था। महमूद ऑफ गजनी की डेथ 1030 AD में हुई, और उसके बाद उसके सक्सेसर्स ने गजनवीद एम्पायर को 1090 AD तक कंटिन्यू रखा। बट उसके सक्सेसर्स काफ़ी ज़्यादा वीक थे। इनफैक्ट महमूद ऑफ गजनी की डेथ के 10 सालों के बाद ही यानी 1040 AD में शेलजुक एम्पायर और गजनवीद एम्पायर के बीच में एक बहुत ही फेमस बैटल हुई, जिसका नाम है डंडनाकन। इस बैटल में शेलजुक एम्पायर ने गजनवीद एम्पायर की सारी टेरिटरीज छीन ली थी एक्सेप्ट गजनी और पंजाब। यानी अब गजनवीद एम्पायर सिर्फ दो ही टेरिटरीज में सिमट कर रह गया था, गजनी और पंजाब। ये लगभग उतना ही बड़ा एरिया है जितना हिंदू शाही डायनेस्टी के पास हुआ करता था। और अब इनका मेन काम यही था कि ये गंजेटिक वैली और राजपूताना स्टेट्स में रेड कंडक्ट करें और वहाँ से लूटपाट करके वेल्थ इकट्ठा करें। और इसमें भी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। कई सारी रेड्स में राजपूतों ने इनको बहुत ही बुरी तरह से मारा था। इनकी ज़्यादातर रेड्स तो अनसक्सेसफुल ही रहती थी। इसके बाद 1173 AD में इनके हाथ से गजनी भी छूट गया, और फाइनली 1190 AD में पंजाब वाले रीजन से भी इन्हें निकाल कर फेंक दिया गया। यानी 1190 AD में इनका चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया। गजनी और पंजाब से इनको निकाल के फेंका था घुरीद्स ने, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। UPSC के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।